मुख्यमंत्री योगी ने आगरा में तूफान पीड़ितों का जाना हाल, थोड़ी देर में करेंगे इलाके का स्थायी सर्वेक्षण। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज आंधी तूफान की, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अब तक तूफान से 22 जिलों में 73 लोगों की हो चुकी है मौत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। आज प्रधानमंत्री प्रदेश में करेंगे 3 रैलियां, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैसूर में करेंगे रोड शो। जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर जस्टिस मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल में तीखी बहस। नामों पर मंजूरी की अवधि पर अटॉर्नी जनरल के जवाब से नाखुश जस्टिस लोकुर। श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़, फायरिंग में एक जवान घायल, एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आतंकियों की तलाश जारी। झारखंड के चतरा में प्रेमी पर लगा युवती को जिंदा जलाने का आरोप। बलात्कार के आरोपी प्रेमी को पंचायत ने सुना 101 बार उठक बैठक करने का फरमान। जलील होने पर आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ युवती को किया के हवाले। मुखिया समेत 2 गिरफ्तार।